अस्सलाम नाज़रीन, आइए आज मैं आपके लिए बच्चों की एक स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। जो बच्चे स्पाइसी खाना नहीं खाते या खाना खाना पसंद नहीं करते, उनके लिए आप ये बना सकती हैं। जैसे कि मेरा छोटा बेटा है, वो बहुत फसी सा है कि उसको कुछ डिफरेंट टाइप का खाना चाहिए। ये भी ना हो कि बिल्कुल लाइट हो या बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो, तो मैं उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये रेसिपी दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये चिकन की आज की ये रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये देखे, मैंने यहाँ पे चिकन के तकरीबन 7 पीस लिए हैं। और मसालों में जो मैं चीजें ऐड करने जा रही हूँ, वो एक छोटा ये देखे प्याज है, ये अदरक और ये लहसुन है मेरे पास, जिंजर गार्लिक ओनियन है, और ये बड़ा मेरे पास एक टमाटर था तो मैंने इसलिए उसका हाफ लिया है। इन सब चीजों को मैं बारीक सा चॉप करूंगी अपने चॉपर में, ग्राइंड नहीं करना बिल्कुल, इसका पेस्ट नहीं हम बनाएंगे। मसालों में मैं ऐड करूंगी बहुत लाइट, इसमें मैं हाफ टी स्पून जो है वो रेड चिली पाउडर डालूंगी, और ये मेरे पास कोरिएंडर पाउडर और जीरा पाउडर जो है, ये इन चीजों को मैंने मिक्स करके ग्राइंड किया है तो मैंने ये पाउडर बनाया। ये तकरीबन मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून यूज करूंगी। टर्मिक पाउडर जो है वो मैं हाफ टी स्पून यूज करूंगी। सॉल्ट आप जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ऑयल जो है मैं इसके अंदर तकरीबन 4 to 5 जो है वो टेबल स्पून ऐड करूंगी। एक छोटी देच की ले ली है, इसके अंदर मैं तकरीबन 5 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ऐड करूंगी, क्योंकि हमारी जो करियां बनती है उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ज्यादा ही डलता है। तो ये वेजिटेबल ऑयल है, कोई इससे नुकसान नहीं है। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया, आपने इसको पेस्ट नहीं बनाना, इस शक्ल में करके आपने डायरेक्ट इसको ऑयल में डाल देना है। ऑयल में डाल के इसको आप हल्का सा फ्राई करें, साथ ही हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को भी बस हम हल्का सा इस तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसके अंदर अपने मसाले ऐड करेंगे। फिर से रिपीट कर देती हूँ, हाफ टी स्पून चिली पाउडर, हाफ टी स्पून टर्मिक पाउडर, सॉल्ट जो है आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, ये जीरा पाउडर और सूखा धनिया पाउडर है, ये तकरीबन हाफ टी स्पून है। तो आप ये चीजें डाल के इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये करना है कि बस हमने इसको, जब ये अच्छी तरह से एकदम पकना शुरू हो जाए, पकने के बाद हमने इसकी हीट जो है वो थोड़ी देर के लिए इसको लो कर देना है, ताकि ये हल्की आग पे जो हमने इसके अंदर टमाटर और प्याज डाले हैं उसी पानी में ये चिकन जो है वो गल जाए। तो चिकन देखें, ये बिल्कुल फुली कुक हो गया है, तो इसका पानी भी ड्राई हो गया है सब कुछ। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी, ताकि जो मसाला इसका कच्चा रह जाए वो थोड़ा सा सही तरह से कुक हो जाए। बस अब इसकी हम भुनाई करेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता मसाले से। तो ये देखिए, बस इसकी मैंने अच्छे तरीके से भुनाई भी कर ली है, और फिर मैं अब इसको हल्की सी ग्रेवी बनाने के लिए, आपकी मर्जी है, आप इस तरह से भी सर्व कर सकती हैं, अपने बच्चे को दे सकती हैं जैसे वो पसंद करता है, या फिर आप थोड़ी सी ग्रेवी इसमें पानी डाल के, या आप योगर्ट डाल के बना सकती हैं। ये देखिए, इस तरह से थोड़ी सी आप ग्रेवी बना लीजिएगा, ताकि बच्चे जो भी रोटी या ब्रेड जो भी खाएं इसमें थोड़ा सा डिप करके उनको टेस्ट अच्छा आए। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद मैंने इसको अब हल्की आग पे बहुत लो हीट पे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रखूंगी, ताकि इसका थोड़ा सा ऑयल निकल आए, और फिर ऑयल निकलने के बाद इसकी इसके ऊपर जो अच्छी सी शक्ल आएगी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो आप देखिए कि इसका ऑयल भी ये निकल आया है, और बहुत ही अच्छी इसकी शक्ल भी हो गई है, खाने में भी और देखने में भी। तो मैं उम्मीद करती हूँ नाज़रीन के आज की मेरी ये बहुत ही सिंपल और बहुत मज़ेदार रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी।